जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अभी तक हमने कई जीवन चरित्र सुने, जैसे घनश्याम दास ठाकुर जी का, पूज्य श्री राधा बाबा जी का, पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का। आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ब्रज रसिक संत चरित्र, ब्रज विभव की अपूर्व श्री भक्तिमती उषा बहन जी का जीवन चरित्र, पूज्या बेबो। आइए आज से शुरू करते हैं जीवन परिचय। चैतन्य प्राणी मात्र का मूलभूत आधार है, प्रकृति चेतन है, पशु पक्षी भी चेतन है, यावत चराचर उसी चैतन्य से युक्त हैं। परंतु मानव में उद्भासित वह चैतन्य किंचित अलग अस्तित्व लेकर है, स्नेह और प्यार का स्रोत यावत प्रकृति में विद्यमान है, परंतु मानव को जो वैशिष्ट्य भगवान ने स्वयं प्रदान किया है उसके लिए उसे उस अखंड सत्ता के प्रति आभारी होना ही होगा। अपने प्रति की गई इस विशेषता से उऋण होना मनुष्य अवश्य चाहता है, परंतु अपने प्रेमास्पद के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन वह किस प्रकार समर्पित करे, इससे वह अनभिज्ञ सा ही रहता है और वह आभार प्रकट करने के जाल में उलझ जाता है। सत्य को जब हम प्रेमास्पद के रूप में स्वीकार करते हैं तो जीवन में सरसता भर जाती है, माधुर्याम्बुधि का अजस्त्र प्रवाह ठाठे मारने लगता है। देखना यह है कि वह सत्य क्या है, यावत प्रकृति में परिव्याप्त है वह अखंड सत्ता। श्रुतियों ने उसी को रसो व सह कहा है। भक्तों के लिए त्रिभंग रूप धारण कर वह श्यामलो उज्ज्वल छवि, वह श्यामल उज्ज्वल छवि अपने एक चरण पर चरण धरे, करांगुलियों से वंशी के छिद्रों पर नर्तन करती, विकंपित अधरों से उसमें रस भरती, बंक चितवन से मधुर मुस्कान से नेत्रों के सरस संचालन से क्या क्या कहें, अपने रोम रोम में परिव्याप्त सौंदर्य माधुर्य से सरसता का संचार कर उसी रसपान को अकुलाई श्यामल सुषमा आह संपूर्ण जगत को अपनी रूप माधुरी के जादू से बौरा रही है, प्रेमास्पद अकुला रहे हैं, वे उपलब्ध हो रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, मिलने के लिए श्री कृष्ण आतुर हैं। प्रेमियों का संसार उसी से फलीभूत होता है, अन्यथा उनकी करुणा कोर तो जीव मात्र पर ही अनवरत अखंड बरस रही है। वे सन्मुख हैं तो फिर ज्ञान के बीहड़ जंगलों में भटकने का कोई हेतु नहीं है। क्यों न भक्ति की सरस उत्फुल्ल वाटिका में सुखपूर्वक विचरण करें। प्रकृति गतिशील है, शीत की भयंकर ठिठुरन बसंत बहार वन हमारे मन प्राणों को चंचल कर देती है और छा जाती है सरस चंचलता। यह चांचल्य कभी बौराता भी है, धीरे धीरे ग्रीष्म की ओर प्रवाहित कर ले जाता है, प्राणों में ताप भर जाता है, मन प्राण तप्त हो जाते हैं। एक और इस भीषण ताप के फलस्वरूप कजरारे मेघों में एक सुनहरी आशा किरण झलकती है, जिसे देख सभी आशान्वित हो जाते हैं। ग्रीष्म का वह प्रकोप पावस ऋतु के स्वागतार्थ अपना संभार त्रिविध समीरीण को, प्रकृति के अलबेलेपन को, पक्षियों के कलरव को तथा झूमती इठलाती मदमाती वृक्ष वल्लरियों को सौंप स्वयं वहीं विलीन हो जाता है, वहीं विलीन हो जाता है। पूजनीय बहन जी का जन्म 30 जुलाई सन 1925 को हुआ। राजनैतिक दृष्टि से उस समय की परिस्थितियां कुछ विशेष सुखद नहीं थी। अंग्रेजों का राज्य भारत पर बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा था। स्वतंत्र भारत तथा स्वतंत्रता का बिगुल कांग्रेस के गठन के साथ साथ हुआ के साथ साथ बहुत पहले से बज चुका था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल प्रभृति अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारी प्रचार
तथा सत्याग्रहों का आयोजन किया। इधर पंजाब में पहले लाला हरदयाल तथा पीछे लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव आदि का योगदान हो रहा था। अमृतसर के जलियांवाले कांड को अभी पंजाब की जनता भूल नहीं पाई थी, फिर भी जनाक्रोश शांत अवश्य दिखता था, परंतु भीतर से स्वतंत्र भारत की कामना जन जन में पुनः पुनः उद्वेलित कर देती थी। यह युग वास्तव में गांधी युग ही माना गया। भारतीय राजनीति में गांधी जी पूर्णतः छाए रहे। गोखले जी को लगता था निश्चय ही इस समय हमारी उपलब्धियां कम हो सकती हैं, परंतु आने वाला भारतीय समाज निसंदेह इसी भित्ति पर एक सुखद भविष्य का निर्माण कर गौरव को बढ़ाने वाला होगा। इधर लाला लाजपत राय की विचारधारा जन जन के मन में घर कर चुकी थी। दास्य की श्रृंखलाओं के विरोध में उनके विचार अनुकरणीय तथा माननीय थे। उनकी धारणा दास की आत्मा नहीं होती, इसी प्रकार दास की कोई जाति नहीं होती, आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु है। इस प्रकार की विचारधारा समाज में रोष बनकर घर कर गई। विवशता अवश्य सामने दिखलाई देती रही, इधर सामाजिक परिस्थितियां भी अपने में महत्वपूर्ण थीं। लोगों में एक रोष तथा असहयोग का विचार तो था, परंतु धर्म भीरु होने के कारण नाते कुछ क्रियान्वयन उनके सामर्थ्य की बात न थी। भारत में चली आ रही कुछ रूढ़िगत प्रथाओं का समाज में विरोध तो पहले से ही चलता आ रहा था, अब उसमें पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से अधिक सक्रियता दिखने लगी विश्व में संतों का कभी अभाव नहीं होता। समय समय पर वे इस धरा धाम पर जीवों के कल्याणार्थ प्रादुर्भूत होते हैं, इसमें उनका अपना कोई हेतु होता हो ऐसा नहीं है। भगवान अपनी ओर अग्रसर होने वाले जीवों के लिए अपने पास आने के मार्ग निर्देशन हेतु अपने जनों को इस भूतल पर भेजते हैं। ऐसे महजन जहां भी प्रकट होते हैं, उन माता पिता का, उनसे जुड़े लोगों का, उस स्थान का गौरव बढ़ जाता है। ऐसे भक्तों के आविर्भूत होने से समाज धन्य हो जाता है, पृथ्वी पुलकित हो जाती है तथा धर्म की गरिमा और भी बढ़ जाती है। उनका व्यक्तित्व, उनका वातावरण, उनका व्यवहार, उनके उपदेश शास्त्र सम्मत होते हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं उसी का अनुमोदन शास्त्रों में वर्णित है। वे जो करते हैं वही शास्त्रों का मूल विषय होता है। एक शब्द में उन महानुभावों के विषय में कहा जा सकता है कि साधारण जन वाणी का अनुसरण करते हैं और वाणी भक्तों का, महजनों का अनुसरण करती है। उनका चरित्र, आचार विचार और व्यक्तित्व धर्म की गरिमा को लेकर ही होता है। अहो धन्य है ऐसे भक्तजन। कलिमलहारिणी माँ जाह्नवी का अवतरण अनेक जनों के पापों को क्षय करने हेतु ही हुआ था। भूतल पर प्रकट होने की बात जब भगवान विष्णु ने कही तो करबद्ध प्रार्थना कर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, कलिकाल के प्राणी मात्र मुझ में स्नान कर अपने पापों को क्षय कर सकेंगे। भगवान मेरे उद्धार का भी कोई उपाय बतलाइए। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे देवी, जब मेरे भक्त आकर तुम्हारे जल में अवगाहन करेंगे तो तुम सर्वथा सभी पापों और दोषों से मुक्त हो जाओगी। जिन भक्तों की गरिमा का बखान भगवान स्वयं श्रीमुख से कर रहे हों, उनके विषय में क्या ही कहा जा सकता है। वास्तव में उनकी महिमा कहाँ तक गाई जा सकती है। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सतशास्त्र बना देते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, नन्हे से बीज में निहित विशाल वृक्ष की कल्पना पहले से ही विद्यमान होती है। घनों के गिरने के साथ साथ अगाध जल स्रोत की कल्पना सामने दिखने लगती है और एक महान व्यक्तित्व का परिचय उसके बालपन की चेष्टाओं से, उसकी मनोवृत्ति से पूर्व में ही आभासित होने लगता है। इन सबसे परे एक और तथ्य है, एक और स्थिति है। भक्तजनों अथवा महजनों के प्राकट्य से पूर्व भी इस प्रकार के आभास अनेक बार देखने में आते हैं। उन विभूतियों के पूर्वजों में,
उनके माता पिता में अथवा घर की परिस्थितियों में तदनुकूलता आने लगती है। जिस घर में किसी भक्त का प्रादुर्भाव होना होता है, तदनुकूल वातावरण का निर्माण हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। श्री मनमोहन स्वरूप भटनागर अपने पिता तहसीलदार श्री विष्णु स्वरूप जी कैराना मुजफ्फरनगर निवासी के इकलौते पुत्र थे। उनकी एक बहन वर्तमान में अपने पुत्र के साथ निवास कर रही है। श्री विष्णु रूप जी के कई संतानें हुई, परंतु भाग्य से दो ही बची। श्री मनमोहन जी इकलौते पुत्र थे। अंग्रेजी राज्य में सरकारी पद पर पिता के प्रतिष्ठित होने से घर में अर्थ का अभाव न था। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लाहौर रहे। उस समय शिक्षा का मुख्य केंद्र लाहौर ही था। लाहौर से उच्च शिक्षा प्राप्त कर मनमोहन जी अंबाला लौट चुके थे। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि अत्यधिक आधुनिक साधनों के साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित लोगों से व्यवहार रखने पर भी भारतीय संस्कृति, भारतीय वाङ्मय में उनकी अटूट श्रद्धा थी। शास्त्र अध्ययन एक व्यसन सा बन उनके जीवन में समाया था। पढ़ाई कर लेने के पश्चात उचित समय पर श्री मनमोहन जी का सिकंदराबाद बुलंदशहर के रईस की पुत्री से श्री श्यामा जी से विवाह हो गया। श्री श्यामा जी का जीवन भी भक्ति भाव पूर्ण था, अतः विवाह के उपरांत शास्त्र चर्चा, आध्यात्मिक जीवन, साधुओं के प्रति श्रद्धा विशेष रूप में उनमें दिखने लगी। पिता के स्थानांतरण पर जगह जगह जाना पड़ता था और श्री मनमोहन जी के नाना परिवार के लोग अंबाला ही में निवास करते थे और भी अनेक स्वजन वहाँ रहते थे। अतः श्री मनमोहन जी, इनकी माता और पत्नी अंबाला में ही एक स्थान पर रहने लगे। बहन का विवाह हो ही चुका था। हाँ, तो श्री मनमोहन जी अपनी माँ और पत्नी सहित अंबाला छावनी पंजाब में निवास कर रहे थे। घर में आध्यात्म प्रधान वातावरण था ही। उनकी माँ भी संतों और भक्तों के प्रति आस्थावान थी। मंदिर में दर्शनार्थ जाना, संतों की कथा प्रवचन आदि सुनने में उनकी अभिरुचि थी। घर में महाभारत और रामायण तो पढ़ी ही जाती थी। इसके अतिरिक्त शास्त्रों और पुराणों की कथाएं, आदर्श चरित्र भी पढ़े जाते थे। किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक वातावरण बना ही रहता। बालिका जिस समय गर्भ में ही थी, श्री मनमोहन जी अपनी पत्नी को वह सब आदर्श कथाएं सुनाया करते थे जिनका प्रभाव गर्भ में ही बालिका पर पड़ा और बालिका की अप्रतिम प्रतिभा को देख हमें यह स्वीकार करना ही होगा। प्रमाण स्वरूप ऐसी अनेक घटनाओं को हम आगे यथा समय और यथा प्रसंग वर्णन करेंगे। इनकी इन अभूतपूर्व घटनाओं को देख अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदन वाले प्रसंग की पुष्टि होती है। इस आध्यात्मिक वातावरण में अनायास ही कुछ विशेष गंभीरता छा गई। इधर हमारी चरित्र नायक श्री उषा जी का प्रादुर्भाव होने वाला था। शास्त्र चर्चा, धार्मिक कथाओं, संतों और साधुओं के प्रति आस्था में और दृढ़ता आने लगी। यह सब घर में अनायास इस प्रकार घटित हो गया मानो श्री उषा जी के आविर्भूत होने के पूर्व ही यह परिस्थितियां घर में सहज निर्मित हो गई हों। जिस घर में महज जनों का आविर्भाव होना होता है, भगवत भक्त का प्राकट्य होता है, वहां मंगलमय वातावरण का बनना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। वर्तमान में सनातन धर्म मंदिर के पास ही बंगाली मोहल्ले के निकट वाली गली में श्री मनमोहन जी निवास कर रहे थे। विशेष आधुनिक मकान तो अवश्य नहीं था, परंतु तत्कालीन गृहस्थ की सभी सुविधाएं घर में सहज उपलब्ध थी। उस भवन के आंगन में एक ओर श्री ठाकुर जी को अर्पित करने हेतु पुष्पों के पौधे लगे थे, एक ओर श्री तुलसी महारानी का बिरवा विराजमान था। नित्य ही जल अर्घ देना माँ का सहज स्वभाव था। इधर पत्नी श्री श्यामा जी भी नित्य ही तुलसी पूजन, नियम, व्रत आदि का बड़ी दृढ़ता से पालन करती थीं। शास्त्रीय परिपाटी के अनुरूप आध्यात्मिकता और नियम व्रत आदि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था। पास ही के घर में एक और भक्त परिवार रहता था। उनकी भक्ति भावना का संयोग प्रायः अनायास मिलता ही रहता था। इस प्रकार वहां रहते रहते सभी सुख सुविधाओं और आध्यात्मिकता के वातावरण में संवत
1882 वर्ष का प्रारंभ हुआ। चैत्र मास में छाया चहु ओर का सुगंधित वातावरण धीरे धीरे अपने आप में लीन होता चला गया। निम्ब पुष्पों की सुगंधित समीरण भोर और रात्रि में एक विशेष उन्माद भर स्वयं अपने में सिमट गई थी। ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ। बदली परिस्थिति में जिस किंचित ग्रीष्मता के कारण शीत से राहत मिली थी, अब अपना उग्र रूप धारण करने लगी। आषाढ़ मास के अंतिम दिनों में प्रकृति ने पुनः करवट ली। कहीं कहीं आकाश में शशक शावक दौड़ते दिखने लगे। धूप किंचित हल्की होने लगी और लो, प्रकृति ने थके पथिक की भांति अपने पांव पसारे और घनों में श्यामलता छाने लगी। प्रकृति में चेतनता भर गई। वृक्ष प्रफुल्लित हो सघन दिखने लगे। लताएं झूमने लगी, उमंग तरंग में भर गई। बीच बीच में घनों ने प्रकृति का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। वर्षा ऋतु के स्वागतार्थ अपना संभार प्रकृति को सौंप ग्रीष्म ने विदा ली। प्रकृति की आवभगत से रीझ घनों ने अभिषेक किया। पपीहे की पी कहाँ को स्वर दिया। कोकिला मुखरित हो गई। केकी समूह बोरा से गए। उमंग तरंग में भर नृत्य निरत हो गए। चारों ओर मयूर ध्वनि गूंज उठी। मृग शावक कूदने और फुदकने लगे। श्रावण मास प्रारंभ हो गया। घन घने होने लगे। गली गली में वृक्षों पर झूले उल्लसित हो गए। रंग बिरंगे वस्त्रों से सज्जित किशोरियां वधुएं झूलन में उमगी। अपनी भावनाओं को उमंग तरंगों को चहल पहल को बिखेरने लगी। अपनी पायलों की ध्वनि में प्रकट करने लगी। जन जन के मन में भरने लगी। उनकी इन उमंग तरंगों से प्रकृति खिल उठी। हृदय प्रफुल्लित हो गए। लताएं लहरा उठी। वृक्षों में धूम भर गई। एक एक कर दिन बीतने लगे। बीच बीच में घनाच्छादित दिवसों का सौंदर्य अनुपम प्रतीत होता। प्रकृति के नव जीवन का संचार हो गया। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। उधर 15 दिन पश्चात भाद्र मास की अष्टमी श्री कृष्ण प्राकट्य के लिए सर्व वंदे है। आज भोर से ही घनों ने कृपा कण बरसा, वातावरण सरसा दिया था। साथ साथ त्रिविध समीरीण प्रवाहमान हो सभी को गुदगुदाती संपूर्ण वातावरण को स्निग्ध किए दे रही थी। प्रथम नवजात शिशु के आविर्भाव का समय पास आता जा रहा था। घर के लोगों में, सगे संबंधियों में तथा स्वजनों में एक आनंद मिश्रित लहर व्याप्त थी। वर्षों बाद घर में बाल लीला सुखास्वादन हेतु सभी आनंद में भरे उल्लसित हो रहे थे। कभी वर्षा रुक जाती और भुवन भास्कर की मंद सी द्युति छिटक जाती। धूप छाह की इस आँख मिचौनी ने सभी स्वजनों में एक ऊहा पोहसी भर दी। तुलसी महारानी में छाई बहार, उसकी उमगन बन प्रकट हो गई। प्रकृति का आंचल पुनः सरका। धूप और छाह की आँख मिचौनी के खेल में मग्न हो गई प्रकृति। और इधर मध्यान्ह में 1:06 पर सभी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। प्रथम कन्या होने के कारण विशेष उमंग और उल्लासपूर्ण वातावरण हो गया। पास के भक्ति भावपूर्ण परिवार वालों के यहाँ अनजाने में अनायास ही घंटों का निनाद होने लगा। चारों ओर से बधाइयाँ आने लगी। सभी स्वजन उमंग विशेष में भरे थिरकने लगे। श्री मनमोहन जी का उल्लास तो देखने ही योग्य था। भांति भांति के लोग आते, सभी प्रसन्न चित्त और आनंद मग्न। कुछ लोगों में एक मंद सी कानाफूसी का स्वर सा भी सुनाई पड़ा। यदि लड़का होता तो अच्छा था, परंतु श्री मनमोहन स्वरूप जी का उत्साह उन लोगों को इस प्रकार की बातों को प्रोत्साहन ही न देता। गीत गाए जाने लगे। मिठाइयाँ बट गईं। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति पर जितनी प्रसन्नता होती होगी, उससे कुछ कम प्रसन्नता न दिखती थी। कन्या रत्न के जन्म पर इस प्रकार की उमंग और उल्लास विरले ही देखने को मिल सकता है।
संभवतः यह स्वतः ही पूर्व में निर्मित होना प्रारंभ हो गया था। बालिका के ग्रह आदि दिखा, जन्म कुंडली बनवाई गई, जिसे देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बृहस्पति का योग उच्च शिक्षा, सूर्य का परम यश, चंद्रमा का धर्म की प्रगाढ़ता तथा शनि का उत्कट वैराग्य पूर्ण योग अभूतपूर्व था। जन्म के समय बालिका रोई, बहुत रोई। सभी लोग चिंतित से भी हो गए। उनके इस रुदन को देखकर लगा कि अपने पूर्व जीवन में वे जहाँ थी वहाँ अत्यंत सुखी थी। कदाचित उस परम सुख से विलग होने के पश्चात एक सहज अभाववश उसे यह सब खला होगा। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, उन्नत भाल, सुंदर नासिका, मुकुरजयी कपोल, घुंघराली केशावली, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसा माधुर्य किसके मन को सहज आकृष्ट न कर लेगा। नवजात बालिका की दीर्घायु के लिए अनेक उपाय किए जाने लगे। ये इतनी सुंदर थी कि सहज सभी आकृष्ट हो जाते। बालिका के अधरों पर बिखरती मंद मुस्कान तथा अधरों की किंचित विकसन सभी मोहक था। बालिका को नजर न लग जाए, दादी ने षष्ठी पूजन के दिन अंबाला में माँ काली के मंदिर में पूजन करवाया तथा इतर अलाबला के प्रभाव को समाप्त करवाने हेतु काली माँ का प्रसादी वस्त्र धारण कराया। दादी कहा करती थी, वस्त्र धारण कराते ही बालिका का रंग काला हो गया। काला रंग होने पर भी एक स्वाभाविक लावण्य और सौंदर्य बना रहा। उसी से खींचे अनेक जन इनके प्रीति पाश में बंधे रहे। वास्तव में उस बाह्य वर्ण का कोई महत्व न था। इनके अंतर में जिस उमड़न का, अंतर के जिस दिव्य भाव का स्रोत बाद में प्रस्फुटित होकर सामने आया, वह मूलभूत इनमें विद्यमान था ही, जो अपरोक्ष रूप से सभी के अंतर को छूता था और आकर्षित करता रहा। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे बाल्य भाव तथा बाल चरित्र। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अभी तक हमने कई जीवन चरित्र सुने, जैसे घनश्याम दास ठाकुर जी का,